नमस्कार, महिलाओं की योनि में वाइट डिस्चार्ज निकलना बहुत ही आम बात है, जिसमें कम से कम 2 से 5 ml वाइट डिस्चार्ज निकलना बहुत ही स्वाभाविक बात है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज बदबूदार होना या चिपचिपा हो जाता है तो आपको इसके इलाज की जरूरत है। अक्सर महिलाएं इस बारे में बात करने से कतराती है। इसका इलाज या उपाय सही समय पर अगर नहीं किया गया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो ज्यादा हानिकारक है। वाइट डिस्चार्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको कुछ प्राकृतिक नुस्खे बताऊंगी। पहला, हमारे नाश्ते में या भोजन में 1 कटोरी दही या सबसे अच्छा होगा ग्लास भर के छाछ दोनों बार जरूर पिए। दही में अच्छे बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड होते हैं, जो योनि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा, 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच मेथी दाने को भिगो के रखें और इस पानी को छान लें और इसे सुबह खाली पेट पिएं। मेथी दाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स को मारते हैं। तीसरा, नारियल पानी पिएं और खाना बनाने में नारियल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। नारियल में एंटीबैक्टीरिया गुण होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। चौथा, मुट्ठी भर भिंडी लें और उसे 2 कप पानी में उबाल लें। इसे तब तक उबाल लें जब तक पानी आधा नहीं हो जाता और नाश्ते से पहले इसे पी लें। भिंडी आपके सिस्टम से म्यूकस निकालकर इस ल्यूकोरिया का, जिसे सफेद पानी कहते हैं, उसका इलाज करता है। पांचवा, 1 टब को गुनगुने पानी से भरें और नीम के तेल की कुछ बूंदें इसमें डाल दें। इस टब में 5 मिनट के लिए बैठें, जब आपके हिप्स पानी में हो, पैर पानी के बाहर हो, और इस पोजीशन में अश्विनी मुद्रा करें। अश्विनी मुद्रा में आपके एनल मसल और योनि मसल्स को टाइट करना है, सिकुड़ना है, और फिर उसे रिलैक्स करना है। सिकुड़न रिलैक्सेशन, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ये करें, 5 मिनट यूं ही बैठे रहें, चाहिए तो गाना गाएं, और उसके बाद में स्नान करके और बाहर आए। आप कुछ योग आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अमुक आसन जैसे भद्रासन, उसका अभ्यास लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। साथ ही आप विपरीत करनी, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सेतु बंधासन और हस्त पद्मंगुष्ठासन का अभ्यास करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ और सुझाव बताती हूँ। हमारे अंदर के जो कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट, वो कॉटन के हों और कभी भी जब गीला हो जाए तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। हमेशा यूरिन करने के बाद योनि को पानी से धोएं और उसे अच्छी तरह सुखा लें। शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है, इसलिए दिन भर पानी भी पीना जरूरी है। एक संतुलित डाइट लें और ध्यान रहे कि शरीर में कोई न्यूट्रिएंट्स की, कोई विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो। बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, मशरूम, शराब, काफी मसालेदार भोजन, ये सब अवॉइड करें। सुबह और शाम थोड़ा आधा घंटा तेज चलें। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है और इसीलिए एक समय निर्धारित करें सोने का और रोज उस तरह सोएं, तो शरीर में अपने आप नींद सही आने लगेगी। इंस्टीट्यूट की बदर सीता देवी, जो मेरी सास नहीं है, उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य में काफी महारत हासिल की थी और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो बहुत पॉपुलर हुई। वो किताब जिसका नाम था योगा फॉर वुमन, उसमें उन्होंने कहा है कि एक महिला का सबसे पहला और सबसे पवित्र कर्तव्य अपने शरीर की देखभाल करना होता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करें और खुद से प्यार करना सीखें। अपने शरीर की साफ सफाई, स्वच्छता बराबर करें और बीमारियों से दूर रहें। अपने शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखें, बीमारी से हटाना है, कोई भी बीमारी की शुरुआत में झट से उसे निकालने का प्रयत्न करें। और उसमें सबसे मेन बात है शरीर की स्वच्छता, जिसे अच्छी तरह बनाए रखें। महिलाओं में बॉटम पार्ट यानी योनि और संडास पेशाब करने की जगह इसको अच्छी तरह स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये भी ध्यान रखें कि मानसिक स्वास्थ्य भी सही हो। मन से अगर टेंशन आता है, चिंता होती है, दुख होता है, तो भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, ये याद रखो। और इसीलिए मन से हमेशा आनंदित रहो और अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्तव्य करने में आनंद लो। बस ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, शुभमस्त।